शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जैसे काट नहीं सकते, आग जैसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे नैनम चलम नैनम धरती पाप। कबीर साहब जी का जो दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो ने कोई, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ियो से पंडित होई, उस प्रेम का मतलब समझना चाहता हूँ। प्रेम माने चाह, ज्ञान माने पता होना कि रास्ता कैसा है, ज्ञान माने पता होना कि तुम्हारा वाहन कैसा है, ज्ञान माने पता होना कि तुम्हारे पास संसाधन क्या क्या हैं, क्या तुम्हारी शक्ति है, क्या तुम्हारी सीमा है। तेल कितना है तुम्हारी गाड़ी में, रास्ता कहाँ कहाँ से होकर के जाता है, ये सब क्या है? ज्ञान। मंजिल की चाह ही नहीं है और तुमको इतना बड़ा नक्शा दे दें, तेल से भरी गाड़ी दे दें तो पहुंच जाओगे, यही दिक्कत है। नक्शा भी बता दूं, संसाधन भी बता दूं, उपाय भी बता दूं, तो भी श्रम किसे करना है पहुंचने का, और वो श्रम तुम ज्ञान के बूते नहीं कर पाओगे, वो श्रम तो तुमसे करवाएगा प्रेम ही। अब प्रेम ही ना हो तो गाड़ी बढ़िया खड़ी करके सोओगे कहीं पर, गाड़ी बहुत अच्छी है, मस्त सीट है, चलो सो जाते हैं। गुरु गाड़ी है बिल्कुल। ज्यादातर लोग ज्ञान का यही करते हैं, ज्ञान इकट्ठा करके सो जाते हैं, कहते बढ़िया चीज मिल गई है, अब सोते हैं इसी पे। वो बढ़िया चीज तुम्हें दी किस लिए गई थी? कि उसका उपयोग करके मंजिल तक जाओ, पर मंजिल के लिए कोई चाहत ही नहीं। और कुछ लोग और आगे के होते हैं, वो कहते हैं गाड़ी बढ़िया मिली है, बेच ही दे तो। तो ज्ञान के विक्रेता भी खूब होते हैं, वो ज्ञान बेच बेच करके दुनिया की चीजें कमाते हैं, दुनिया के पार की मंजिल पर पहुंचने का उनका कोई इरादा नहीं। वो जाएंगे किसी के सामने ज्ञान झाड़ेंगे, उससे इज्जत ले लेंगे, किसी और के सामने ज्ञान झाड़ेंगे, उसको प्रभावित करके कोई काम करा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान की दुकान ही खोल दे, कहीं आओ 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 चलो सब बैठो पैसा निकालो। ये ज्ञान का उपयोग अपनी मुक्ति के लिए कर ही नहीं रहे, ये ज्ञान का उपयोग बंधक बने रहने के लिए कर रहे हैं। और ज्ञान की चीज तो कीमती ही है, दुनिया के बाजार में बिकती भी खूब है, ऐसी बात नहीं है। तुम ज्ञान का पूरा उपयोग कर सकते हो दुनिया में ही बने रहने के लिए, ठीक उसी जगह बने रखने के लिए जहां तुम हो। बिरला होता है कोई जो ज्ञान का इस्तेमाल करता है वहां ऊपर मंजिल पर पहुंचने के लिए। ज्ञान बहुतों को मिलता है, काम किसी किसी के आता है। तो साहब बोले पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक। जग भर को तो ज्ञान है, किसको नहीं ज्ञान है, घर घर में वेद पुराण रखे हुए हैं, बाइबल कुरान रखी हुई है, ज्ञान किसको नहीं है। काम किसके आ रहा है? काम उसी के आएगा जिसके दिल में प्रेम है, उसके ज्ञान काम आ जाएगा। साहब ने आगे जाके भी बात करी है, उन्होंने कहा है कि ज्ञान तुम्हारे पास नहीं भी हो पर अगर प्रेम है तो चल पड़ोगे और धीरे धीरे ज्ञान
आता जाएगा, इकट्ठा कर लोगे, पूछ लोगे, इससे पूछोगे, उससे ताकोगे, कुछ अनुभव से आएगा, कुछ ध्यान से आएगा। तो ज्ञान नहीं है और प्रेम है, काम चल जाएगा। प्रेम है तो ज्ञान धीरे धीरे आ जाएगा, पर प्रेम नहीं है और ज्ञान है तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान के होने से प्रेम के आने की कोई आश्वस्ति नहीं है। तुम जीवन भर ज्ञान रख के बैठे रहो, उससे प्रेम नहीं प्रकट होगा। तरुण महर्षि कह गए, भक्ति ज्ञान की माता है, प्रेम है तो ज्ञान आ जाता है। भक्ति ज्ञान की माता है, प्रेम है तो धीरे धीरे ज्ञान आ जाएगा, पर ज्ञान है तो उससे प्रेम नहीं आ जाएगा। बेटा मां को नहीं पैदा कर देगा। हम बड़े प्रेमहीन, लवलेस, रूखे लोग होते हैं। कुछ पानी नहीं होता हस्ती में, सब बिल्कुल सूखा सूखा।